गूगल के ऊपर जो है वो नए सिरे से मैं लिखता हूँ जी, www.gmail.com। थैंक यू भैया। इसमें चूँकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो सेव नहीं है, और जब gmail.com को ओपन करेंगे www.gmail.com लिखेंगे तो ये इस तरह आपके पास पेज आ जाएगा, जीमेल और गूगल अकाउंट की ईमेल। ठीक है जी, यहाँ पे आप अगर जो है ना वो इसके राइट साइड पे देखेंगे तो साइन इन विद गूगल अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड लिखा हुआ है, और इसके बाद अगर आप नीचे इसी लाइन में नीचे वाले जो है वो कॉलम के अंदर देखेंगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट नज़र आ रहा है। ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये होता है नया अकाउंट बनाने के लिए। इसके अंदर आप डिटेल से जो है वो सारी चीज़ें अपनी जो करना चाह रहे हैं, मतलब हम सबसे पहले तो जो है ना वो ये देखें इसमें गेट स्टार्टेड विद जीमेल, ये हमारा एक फॉर्म है जो आप नॉर्मल जो है ना वो फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, जैसे आपने जो है ना वो मैट्रिक एस दिए या एमए के अंदर जो है या एमफिल में जाके अपने जो है ना वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिले, अगर वो नहीं तो आपने नागरा का फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी जो है ना वो फॉर्म्स होते हैं वो सारे आपने फिलअप किए होंगे, पासपोर्ट वगैरह का या दीगर जो है तो वो फिलअप करके जो आपने वहाँ पर सेंड किए होंगे डिटेल में, सेम फॉर्म वैसा ही है, फिलअप करने का तरीका भी वैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो हार्ड कापी में था ये सॉफ्ट कापी में। अभी देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पर लास्ट नेम है, डिजायर्ड लॉगिन नेम। ठीक है जी, हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हम भी अपना जो है ना वो बनाने जा रहे हैं अकाउंट, मतलब मैं अपना अकाउंट बनाना चाहता हूँ जी एम ए रजा। मैंने इसको जो है ना वो चेक अवेलेबिलिटी चेक की, इसने कहा कि ये जो है वो दस्तयाब नहीं है। ये मरला है जहाँ से आप ऐसा जो है ना वो रिलेटेड जो है ना वो चेक करेंगे कि जो आपको आसानी से मिल जाए, जैसे मैं वन करता हूँ फिर चेक करता हूँ तो ये भी अवेलेबल नहीं है, टू थ्री इस तरह करके जो है ना वो आप अपनी मर्जी से चेक कर लेंगे तो आसानी से आपका जो है वो बन जाएगा। मतलब मैं रजा 786 ट्राई करता हूँ, ये भी देख के आप नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रजा 8592 ये मैंने जो है वो चेक किया, और इसके बाद जो है वो चेक अवेलेबिलिटी थी तो उसने कहा कि ये दस्तयाब है। ठीक है, अब मैं नए सिरे से फॉर्म जो है ना वो पहले फिलअप करता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आसानी से आपको फौरन पर पता चल जाता है कि वो बनेगा आपका अकाउंट या नहीं बनेगा। जी आगे चलते हैं, फर्स्ट नेम में मैंने लिखा जी एम जी मोहम्मद अहमद, लास्ट नेम में मैंने लिखी है जी रजा, और पासवर्ड मैंने अपना जो है ना वो चूज किया इसमें कहा ये 38 है, मैंने पासवर्ड जो है ना वो मजीद चूज किया, मैंने कहा कि पासवर्ड स्ट्रांग है, हमें ये जो है ना वो मैसेज मिला, अब मतलब ये कि हमारा पासवर्ड जो है वो हैक नहीं हो सकता। रिटाइप पासवर्ड या री एंटर पासवर्ड, ये आपका बिल्कुल होना चाहिए, इसके अंदर किसी भी किस्म की जो है ना वो कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसका नुकसान ये होगा कि इसके अंदर जो है वो तब तक आपका अकाउंट जो है ना वो आगे वेरीफाई नहीं करेगा जब तक कि आप मुकम्मल नहीं कर लेंगे। ये बिल्कुल जो आपने ऊपर लिखा होगा वो वाला और जो नीचे लिखा होगा ये वाला बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन, जिसका मतलब ये होता है कि आप जो लिख रहे हैं ये जब आपका पासवर्ड वगैरह जो है ना वो आपको याद नहीं रहता तो आप
ऐसा जो है लिखते हैं, कोई ऐसा उसको जो है ना क्वेश्चन दे देते हैं, एक ऐसा आंसर दे देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर या थ्योरेटिक क्वेश्चन के ऊपर, कि जो आपको मदद करता है दोबारा से पासवर्ड जो है वो रिसीव करने के लिए या दोबारा पासवर्ड को जो है ना हासिल करने के लिए। ये मैंने अपना एक जो है ना थ्योरेटिक क्वेश्चन दिया। रिकवरी ईमेल आप नए बना रहे हैं तो आपके जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। और अगर आप कोई और अकाउंट एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, और आप मतलब आप जो है ना आपके पास याहू का अकाउंट है और आप जी मेल का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, जी मेल का अकाउंट और आप याहू का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए तो वो ई मेल की सूरत में आपका जो है ना वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, ऑटोमेटिकली आप अगर जो है ना वो कहीं और हैं तो आप वो लिखेंगे पाकिस्तान। आपने लिखा नीचे ये कैप्चा, ये जो अल्फाज हैं इनको कैप्चा बोलते हैं। ये अल्फाज जो है आपने जैसे लिखे होते हैं वैसे ही लिखने होते हैं। जब तक आप ये अल्फाज सही तरीके से मैच नहीं करेंगे तो आपको फॉर्म के ऊपर आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही आपका जो है वो अकाउंट सही तरीके से बन सकेगा, कोई ना कोई वो आपको एरर दे देगा। वो फिलअप करते ये मैंने इसको फिलअप किया, और याहू के अंदर जो है ये कैप्स लॉक के साथ जो है ना वो मिक्सअप होता है, यानी कुछ अल्फाज जो है ना वो कैप्स में होते हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स होते हैं, तो आपने मिक्सअप करके इसको जो है लिखना होता है, जबकि यहाँ पे ये सिंपल ही है। आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट माय अकाउंट, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अब वो क्या करते हैं जी, उन्होंने मुझे, अब मैं वेट कर रहा हूँ सिस्टम स्लो होने की वजह से या मेरे पास नेट स्लो होने की वजह से। इसने मुझे ऑप्शन दिया कि इंट्रोडक्शन टू जी मेल कॉन्ग्रेचुलेशन साइन अप फॉर जी मेल हियर आर सिक्स रन टू हेल्प यू गेट कम्फर्टेबल। मैं ये अगर ना भी देखूँ या मैं इसको जो है ना वो देखना चाहूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा या इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आगे नहीं करता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि शो मी माय अकाउंट, मैंने इसको क्लिक किया। अब आगे देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या क्लिक करता है। जी लोडिंग रजा 8590@gmail.com, ये उसने मेरा जो है ना वो अकाउंट बनाया, अब वो उसको जो है ना वो लोड कर रहा है। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो तीन ईमेल्स होती हैं जिसमें कंग्रेचुलेशन होती है, कस्टमाइज के बारे में, ये तीनों ईमेल्स जो है ना मुझे नज़र आ रही है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है raza8590@gmail.com। आगे सेटिंग्स हैं, हेल्प है, साइन आउट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसमें दी हुई हैं, और ये इस तरह से मेरा जो है ना वो पहला अकाउंट जो है वो बन चुका है। यहाँ से इनबॉक्स है, अगर आप ईमेल का जो किसी को भेजना चाहते हैं तो ये कंपोज आप करेंगे, यहाँ पे जिसको आप भेजना चाह रहे हैं तो इसको आप लिखेंगे, इसको लिख के तो आप यहाँ पे जो है ना वो बयान करेंगे, और यू को हम किसी को जो है ना वो ईमेल भेजते हैं। मैं अपने दूसरे अकाउंट पर जो है ना वो ईमेल भेज रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने जाना था ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा और यहाँ पे भी जो है ना वो जो मेरा, मैं अभी वैसे इनिशियल है क्योंकि वैसे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने टू में अपना जो है ना वो पूरा एड्रेस लिखा, ईमेल एड्रेस जिससे मैंने मेल भेजनी थी। इधर सब्जेक्ट लिखा एड जी सी का मतलब है कार्बन कॉपी, और एड जी सी सी का मतलब है ब्लैंक कार्बन कॉपी ठीक है। इसको भेजने के लिए यहाँ पे अगर मैं कोई अटैच फाइल करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे सिस्टम से कोई भी फाइल जो है ना वो इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के साथ में अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो गई तो वहाँ पे जो है ना वो शो होना शुरू हो गई है, अब ये लोड हो रही है। अगर मैं इस तरह जो है ना वो ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सेंड का बटन प्रेस करूँगा तो ये आगे चली जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से ये मैंने जब सारी डिटेल लिख ली, इसके अंदर मैंने सेंड का बटन जो है वो जो ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है कोने पे, इसको मैंने प्रेस किया तो ये मेरी ईमेल जो है वो सेंड होगी। उन्होंने क्या कहा कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंड यू मैसेज, ठीक है। अगर मैं व्यू करता हूँ तो ये सेंट मेल जो होंगी यहाँ पे मेरी जो है ये सारी डिटेल्स पड़ी होंगी, और यहाँ से मैं भेज जाता हूँ। तो ये जो है वो एक रेगुलर तरीका था, इनबॉक्स के अंदर जो है वो सारी ईमेल्स पड़ी होती हैं, ये इसके अंदर जितनी भी आपकी ईमेल जाएंगी ठीक है, बाकी ये इसके अंदर जो है ना विजिट चीज़ें, ये सेंट मेल ड्राफ्ट और ये पर्सनल आपके जो है ना इनको आप विजिट कीजिए, देखिए अपना अकाउंट बनाइए इसके अंदर। और उसके बाद ये है साइन आउट, यहाँ पे सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर जो है वो आप अपने जो है ना इसके अंदर वो कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में मैंने उर्दू भी ऐड की है तो ये उर्दू भी बाय डिफ़ॉल्ट उसमें दे रहा है। मतलब आप मैक्सिमम पेज पे जो है ना वो कितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, 50 या 250
ये आगे जो है ना दीगर चीज़ें हैं, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं और ब्राउज़र कनेक्शंस हैं, डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस हैं, आप इनको ओके कर देंगे तो उसके मुताबिक जो है ना वो अमल शुरू कर देगा। ये है जी रेस्पॉन्डर्स, ये देखेंगे आपके सिग्नेचर हैं, आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो जो भी ईमेल जाएगी उसके अंदर ये आपके बतौर सिग्नेचर जाएंगे। उसके बाद है जो मज़े की चीज़ जो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है वो है वेकेशन रेस्पॉन्डर। वेकेशन रेस्पॉन्डर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ पे मैं जो चीज़ भी लिख दूँगा, अगर मैं जो है ना वो चंद दिनों तक अपना ईमेल का अकाउंट जो है वो ओपन करके अपनी इनबॉक्स में से कोई भी मेल वगैरह नहीं पढ़ता, तो इस दौरान अगर कोई भी मुझे ईमेल करेगा तो ईमेल इसको जो है ना वो जवाब के तौर पर मौजूद होगी, और यहाँ पर जो जवाब मैं लिखूँगा ये उसके रेस्पॉन्स के तौर पर वहाँ पर जो है वो मौजूद हो जाएगा, और उसको जो है ना इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी ईमेल जो है वहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके बाद आप छुट्टियों के बाद या जितने अच्छे बाद भी जो है ना वो आप देखना चाहते हैं वो आप 5, 10, 15, 20 दिन के बाद जब आकर देखेंगे तो आपके सारी ईमेल वहाँ पर मौजूद होंगी, जिसके जरिए होंगे आप उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जीमेल की एक खास की और सर्विस भी है कि आप इसके जो है ना वो यूनिकोड जो टी एस एच रखें इनकोडिंग, इसके अंदर फ़वाद ये है कि इससे आपकी जो उर्दू की कोई भी ईमेल आएगी जैसे यूनिकोड होगी वो कोई भी ईमेल जो होगी वो आपकी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर नहीं होगी बल्कि एज इट इज आपको जो है वो नज़र आएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें करके आप इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहता है जी कि आपने जो ओके किया है तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ लिखें, आई ओके मैसेज मैंने ओके कर दिया, अब मुझे ये मेरा मैसेज जो है वो ओके का जो है वो सबको मिलेगा। मैं सेव चेंजेस करता हूँ, इसमें मेरी सेटिंग्स जो है वो सेव करती हूँ, हम वापस आ गए। अब यहाँ से ये इसने दे दिया, ये देखिए हाय, तो ये मैसेज जो है ना वो सबको मिलेगा, ये लोकेशन सेटिंग है, अगर मैं एंड नाउ कर देता हूँ तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था अकाउंट बनाने का, इसके अंदर सिंपल था, अब साइन आउट करते हैं तो वापस जो है ना उसी जगह पे आ जाएंगे। इसी तरह जो है ना यहाँ से आपने अकाउंट बनाया, यहीं से आपने लॉग इन करना है, यहाँ से आपने जैसे जो है ना वो आप दोबारा से जो है ना मैं अपना वही देता हूँ 8590, आप अगर उसके बगैर भी दे देंगे आगे @gmail.com नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा। पासवर्ड दिया मैंने, पासवर्ड देने के बाद मैंने इसको साइन इन किया तो आप देखें कि आगे उसने जो है ना वो वर्क शुरू कर दिया और ये मेरा जो है ना वो लोडिंग हो रही है, मेरा ईमेल अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो हो रही है 8592, ये सारी की सारी ये दोबारा से जो है ना ओपन हो गया। तो यही तरीकाकार है जिसके ज़रिए से आप जो है ना ये अपना अकाउंट जो है वो नया बना सकते हैं और लॉगिन भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सारी ऐसी भी जो है वो लेक्चर सीरीज के तहत कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हाजिर में पहले भी जो है वो सामीन और हाजरीन की बात आपको बताई थी कि इसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो उन लोगों तक जो है वो इल्म पहुँचाना है जो लोग इंटरनेट से तो वाबस्ता हैं, बाहर की दुनिया में रहते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई और भाई जो लोग यहाँ से इंटरनेट का सहारा तो लेते हैं मगर इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी जो है वो तालीम बेहतर तरीके से जो है ना हो सके, इसके पीछे यही मकसद हमारा, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और fariacity.com के जो है ना वो फोरम में आप ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें लर्निंग क्लास में, तो आप इन सारी चीज़ों को जो है वो विज़िट कर सकते हैं और इसको मज़ीद जो है वो सीख सकते हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे लेक्चर जो है वो दस्तयाब होंगे और आप इसको आसानी के साथ वहाँ पर जो है ना वो ढूंढ करके उसको देख कर सुन कर मज़ीद अपनी जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूशन के। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।